नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष केसरी केसरी आर्ट चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, टीजी टीपीजीटी केवीएस एनवीएस यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न श्रृंखला है। ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। किसी भी पार्ट को आप लोग स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही आपको लाभप्रद जानकारी मिलेगी। आपकी स्क्रीन पर इसमें दिखाई दे रहा है तीन बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग। अभी एक पेंटिंग आपको जो लास्ट में है वो आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा। तीन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। पहली देखिए, ये है पेंटिंग, आप लोग सब परिचित हैं। जो भी आर्ट के बच्चे हैं वे इस पेंटिंग को जरूर जानते हैं, और आर्ट के अगर नहीं भी है, अगर इतिहास बैकग्राउंड से, तो भी इस पेंटिंग को जानते हैं। यह पेंटिंग है मोनालिसा पेंटिंग, जिसको लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। लियोनार्डो दा विंची की यह पेंटिंग इस समय विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग मानी जाती है, और इसमें जितनी पेंटिंग दिख रही सब अपनी में आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत महंगी है। दूसरी पेंटिंग ये है, एक अभिनेत्री थी मर्लिन मुनरो, इस पेंटिंग को बनाया था एंडी वॉरहॉल, जो अमेरिकी पॉप आर्टिस्ट माने जाते हैं, उनके द्वारा बनाई गई थी। और ये तीसरी जो पेंटिंग दिख रही है, ये पिकासो की, पाब्लो पिकासो की, विश्व की बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार पाब्लो पिकासो, अब तक का विश्व का सबसे महानतम कलाकार माना जा सकता है। पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है अल्जीरियन वुमेन। ये तीन पेंटिंग आपको दिख रही है बच्चों, एक पेंटिंग आपको आप वीडियो में दिखेगा। प्रश्न देखिए, हमने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, थंबनेल में है कि विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है। तो ये तीन आपको दिख रहे हैं, ये तीनों अपने आप में बहुत ही महंगी है, तो इसकी एक तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कर लेते हैं। साथ ही बच्चों, आप लोग देखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न आपको टीजीटी पीजीटी एनवीएस सारी परीक्षाओं में जरूर आएंगे, तो इसकी तुलना आप देख लेंगे तो आप जो इसको बहुत अच्छे समझ लेंगे। ये आपके संभावित प्रश्न है। सबसे पहले, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है? तो मशहूर अमेरिकी पॉप आर्टिस्ट, कुछ चीजों पे ध्यान रखिएगा, उस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉप आर्टिस्ट, पॉप कलाकार को बोला जाता है, एंडी वॉरहॉल ये आर्टिस्ट है। अभी इनके हम इमेज भी आपको दिखाते हैं कि एंडी वॉरहॉल कौन है, क्योंकि हमने आपसे पहले बताया कि आपको रटने के साथ साथ समझना है, तो जब चित्रों को आप लोग देखेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। तो ये पेंटिंग आपको दिख रही है, मर्लिन मुनरो की पेंटिंग है ये, इसको बनाया था एंडी वॉरहॉल ने। एंडी वॉरहॉल आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि ये आप ये एंडी वॉरहॉल है, अमेरिकी आर्टिस्ट है, अमेरिकी पॉप आर्टिस्ट एंडी वॉरहॉल की ये पेंटिंग, ये उनकी फोटो दिख रही है। इन्होंने ही बनाया है ये वाली पेंटिंग मर्लिन मुनरो की, जो कि मर्लिन मुनरो की मृत्यु के ठीक 2 साल के बाद बनाया था। थोड़ा इसको समझ लेते बच्चों, आवश्यक समझिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके जरूर पूछे जाएंगे। मशहूर आर्टिस्ट पॉप आर्टिस्ट एंडी वॉरहॉल के द्वारा बनाई गई हॉलीवुड स्टार, ये हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस थी, हीरोइन थी, हॉलीवुड स्टार मर्लिन मुनरो की पोर्ट्रेट, केवल देखिए फेस दिख रहा है यहाँ पे, 9 मई 2020 को, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट का मामला है, 2-3 साल पहले का है, 2 साल का, तो इसलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इस बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आ जाए। तो 9 मई 2022 को नीलामी घर, जो न्यूयॉर्क में है, क्रिस्टीज, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, क्रिस्टीज आपका ये बहुत ही प्रसिद्ध है, क्रिस्टीज जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध पेंटिंग की प्रदर्शनी करता है। क्रिस्टीज एक संस्था है जहां पे चित्रों की प्रदर्शनी होती है और बिक्री होती है, कि नीलामी में $195 मिलियन, जिसको आप करीब मान सकते हैं 15 अरब रुपया, बहुत बड़ी रकम होती है, 15 अरब रुपए में ये बिकी, और इस कारण से यह पेंटिंग 20वीं शताब्दी की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है। कौन सी पेंटिंग? मर्लिन मुनरो की ये वाली पेंटिंग 20वीं शताब्दी की, ध्यान रखना बच्चों, शब्द में भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको इसी तरह से पूछेगा, सबसे महंगी पेंटिंग कौन है, 20वीं सदी की सबसे महंगी पेंटिंग। अगर सर्वकालीन महंगी पेंटिंग मानी जाएगी तो वो आपकी मोनालिसा पेंटिंग है, लेकिन अगर प्रश्न आपसे आ गया कि 20वीं सदी की सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है, तो 20वीं सदी की सबसे महंगी पेंटिंग आपकी है मर्लिन मुनरो की। इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए आप लोग। एंडी वॉरहॉल ने शॉर्ट सेज ब्लू मर्लिन की शीर्षक वाली श्रृंखला में कुल 5 चित्र बनाए। इसकी भी एक कावेरी शॉर्ट, मतलब यहां पे गन से संबंधित समझ सकते हैं आप लोग,
तो शॉर्ट सेज ब्लू मार्लिन एक शीर्षक वाली 40x40 इंच नाप की, 40x40 इंच नाप की सिल्क स्क्रीन पेंटिंग इन्होंने बनाया मर्लिन मुनरो की मृत्यु जो कि 1962 में हुई थी उसके ठीक बाद दो साल के बाद 1964 में यह पेंटिंग बनाया एंडी वॉरहॉल ने। वॉरहॉल ने अपने सबसे फेमस आर्ट वर्क में अपने सबसे प्रसिद्ध चित्रों में शॉर्ट सीरीज, ध्यान रखो बच्चा ये कभी कभी पूछ सकता है कि शॉर्ट सीरीज किस कलाकार की श्रृंखला है, तो शॉर्ट सीरीज अमेरिकी पॉप आर्टिस्ट एंडी वॉरहॉल की पेंटिंग की श्रृंखला है जो बनाई गई थी मर्लिन मुनरो जो हॉलीवुड की एक स्टार अभिनेत्री थी जो बहुत कम उम्र में केवल 36 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 1962 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, उसके ठीक दो साल के बाद 1964 में एंडी वॉरहॉल ने ये पेंटिंग बनाया था। 36 साल की उम्र में दिवंगत हो गई बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित अभिनेत्री है, इनके बारे में आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत ही प्रसिद्ध, देखिए कितनी सुंदर दिख रही है, यह बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही बोल्ड एक्ट्रेसेस थी कि यह पोर्ट्रेट बनाई गई थी। कभी बच्चों प्रश्न आ गया कि यह किस पर बनाई गई थी, किस फिल्म के पोस्टर पे, तो यह इनकी पेंट एक पिक्चर थी जिसका नाम था नियाग्रा, आप लोग नियाग्रा फॉल से इसको याद रख सकते हैं, नियाग्रा फॉल, तो नियाग्रा फॉल अमेरिका का प्रसिद्ध झरना, तो नियाग्रा एक मूवी थी हॉलीवुड मूवी जिसके पोस्टर पे ये मर्लिन मुनरो की फोटो छपी हुई थी, उसी को बाद में एंडी वॉरहॉल ने पेंटिंग के रूप में बनाया जो कि 5 पेंटिंग की श्रृंखला है जिसको कहते हैं शॉर्ट सेज ब्लू मर्लिन नामक पेंटिंग श्रृंखला बनाया। अभी तक यह पेंटिंग स्विस आर्ट डीलर एक फैमिली है जिसको दी अम्मन बोलते हैं अम्मन के पास 1980 तक थी, बाद में यह क्रिस्टीज के पास पहुंची न्यूयॉर्क में और इसकी बिक्री हुई 15 अरब रुपए में, अगर मिलियन डॉलर समझाया जाए तो 195 मिलियन डॉलर में यह पेंटिंग बिकी। यह आपको सामने दिख रहे हैं अमेरिकी पॉप आर्टिस्ट एंडी वॉरहॉल ने जिन्होंने मर्लिन मुनरो की पेंटिंग बनाई। अब बच्चों हम लोग वीडियो हमारा जो है वो है आपका कि प्रसिद्ध पेंटिंग में और सबसे महंगी, तो ये आपके सामने ये टोपी लगाए दिखाई दे रहे हैं यहां पर, ये आपके है पाब्लो पिकासो, पाब्लो पिकासो का ये पेंटिंग है, ये उनका फोटो है और उनके द्वारा ये बनाई गई पेंटिंग जो दिख रही है आपको बच्चों यहां पर, ये घनवादी शैली में पेंटिंग बनी बच्चों ध्यान रखिएगा, ये घनवाद के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं घनवाद के, तो घनवादी शैली की ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग का नाम है अल्जीरियस वुमेन या कभी कभी वुमेन ऑफ अल्जीरिया, अल्जीरियस लिख के आता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये पेंटिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महंगी पेंटिंग मानी जाती है क्योंकि मर्लिन मुनरो पेंटिंग जो सबसे महंगी बिकी 20वीं शताब्दी में, उसके पहले ठीक पहले इस पेंटिंग का नाम आता था जिसको पाब्लो पिकासो ने बनाया था 2015 में, ये इनकी बिकी थी 179 मतलब 180 मिलियन डॉलर के आसपास इसको मान सकते हैं जो कि रकम पड़ती है 11 अरब 55 करोड़ के आसपास, और एंडी वॉरहॉल की मर्लिन मुनरो बिकी है आपकी 195 मिलियन डॉलर में जो कि करीब 15 अरब रुपए आती है, तो अगर पूछा जाए तो ये महंगी पेंटिंग की श्रृंखला है अल्जीरियस वुमेन ऑफ अल्जीरियस, ये देखिए ये नेम लिख के आता है अल्जीरियस वुमेन लिख के आता है या अल्जीरिया की महिलाएं लिख के आता है, तो इन तीन में कोई भी पूछे तो आप लोग समझ लीजिएगा यही पेंटिंग है जो घनवादी शैली बनी है, इसके अब पेंटिंग बनाया है पाब्लो पिकासो ने, यह मर्लिन मुनरो पेंटिंग के पहले सबसे महंगी पेंटिंग की श्रृंखला में थी 20वीं शताब्दी की सबसे महंगी पेंटिंग थी वुमेन ऑफ अल्जीरियस जिसको बनाया था पाब्लो पिकासो ने। अब ये पेंटिंग हमने आपसे बताया था कि ये स्क्रीन पे हमने नहीं दिखाया था, यहां पे आप देखिए
ये आपको जो पेंटिंग में दिख रहे हैं ये ईसा मसीह हैं, एक हाथ में इन्होंने क्रॉस लिया हुआ है और एक हाथ में इन्होंने पृथ्वी का क्रिस्टल रूप लिया हुआ है। इस पेंटिंग का नाम है साल्वेटर मुंडी। ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है, साल्वेटर मुंडी। इस पेंटिंग को भी बच्चों आप लोग याद रखिएगा, इसका मतलब होता है दुनिया का उद्धार करता, ईसा मसीह को दुनिया का उद्धार, साल्वेटर मुंडी। ये भी बहुत ही महंगी पेंटिंग बिकी थी, न्यूयॉर्क के क्रिस्टी नीलामी में बेची गई। कला के किसी भी काल का सर्वकालिक रिकॉर्ड लियोनार्डो विंची के पास है। विंची की साल्वेटर मुंडी और मोनालिसा दो अब तक की सर्वकालिक सबसे महंगी पेंटिंग है। लियोनार्डो विंची की साल्वेटर मुंडी 2017 में 450 मिलियन डॉलर, जिसको आप अगर रुपए में देखेंगे तो करीब 3500 करोड़ रुपए में बेची गई थी। साल्वेटर मुंडी जो है ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ईसा मसीह का ही एक चित्र है, जिसको इसका बनाने का समय जो है 1500 ईस्वी के आसपास का है, जिसको लियोनार्डो विंची ने बनाया था। ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मानी जाती है। अगर महंगी पेंटिंग श्रृंखला में आए तो इन सभी पेंटिंग का नाम आपको याद रखना है, माली मुंडो, साल्वेटर मुंडी, अल्जीरियस वीमेन। यह पेंटिंग को किसने खरीदा, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 2017 में, आज से 5-6 साल पहले खरीदा गया था, तो ये आपके लिए आपके करेंट अफेयर्स के अंतर्गत परीक्षा में आ सकता है। अबू धाबी UAE जिसको बोलते हैं सऊदी अरब अमेरिका, अबू धाबी की संस्कृत और पर्यटन विभाग ने दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग को खरीद लिया है। इस पेंटिंग को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम ने साल्वेटर मुंडी नामक पेंटिंग को खरीदा है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेंटिंग कितने में बिकी और किसने खरीदा, तो किसने खरीदा, अबू धाबी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खरीदा। कितने में खरीदा, 3500 करोड़ में। अगर आप इसको मिलियन डॉलर देखेंगे तो 450 मिलियन डॉलर में खरीदा, और इसका निर्माण काल 1500 सन के आसपास का है। ये बच्चों यहां पे जो दिख रहे हैं दाढ़ी वाले बाबा, ये आपके लियोनार्डो विंची हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, इनको कहा जाता है, ये इटली के फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था, विंची नामक जगह है, लेकिन इटली के फ्लोरेंस, अगर आपका प्रश्न में बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां लिख देते हैं, अगर फ्लोरेंस आ गया तो ध्यान रखिएगा, अगर लिख दिया कि इटली कहां जन्म हुआ था, इटली, इटली भी सही है क्योंकि इटली शहर है, उसका राज्य एक है फ्लोरेंस, फ्लोरेंस में जन्म हुआ था। अगर विंची इनका नाम उपनाम पड़ा क्योंकि इनका जन्म हुआ था विंची गांव में हुआ था, तो ये इटली के फ्लोरेंस के विंची नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इटली के ये विंची नामक सन का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1452 में इनका जन्म हुआ था। इस बाद में इनकी मृत्यु 2 मई 1519 को इनका देहांत हो गया। बच्चों ये चित्रकार के साथ मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, इंजीनियर सब कुछ थे, बहुत ही अब अगर माना जाए कि दुनिया का सबसे विलक्षण प्रतिभाशाली कौन व्यक्ति था तो लियोनार्डो विंची। ये जिस क्षेत्र में इन्होंने हाथ डाला उस क्षेत्र की ये विशेषज्ञता इन्होंने हासिल किया, विशेषज्ञ थे। इनकी बनी हुई ये पेंटिंग है मोनालिसा पेंटिंग, इसको कला के क्षेत्र में सब लोग जानते हैं कि विश्व की सर्वकालिक सबसे महान पेंटिंग है और सबसे रहस्यमय पेंटिंग है। इस पेंटिंग में आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि इसके देखिए आईब्रो नहीं है, हल्की सी मुस्कान, आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपको हमेशा चेहरे पे मुस्कान दिखाई देती है, और केवल होंठ पे देखेंगे तो लगता है उदासी है। कुछ लोग कहते हैं कि लियोनार्डो विंची ने स्वयं का पोर्ट्रेट बनाया, देखिए ध्यान से देखिए, इसलिए दोनों इमेज हमने आपके सामने रख दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर दाढ़ी मूछ हटा दिया जाए तो विंची ही दिखेंगे, विंची ने अपने आप को ही महिला रूप में दिखाया है। तो इसके बारे में बहुत सारे रहस्य बच्चों, बहुत सारी वीडियो बन चुके हैं, अगर मोनालिसा आप लोग सर्च करते हैं
तो मोनालिसा पे आपको बहुत सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगे जहां पे मोनालिसा के बारे में आपको बताया जाएगा। लियोनार्डो विंची जब 41 वर्ष के थे 1503 में, तब उन्होंने इस पेंटिंग को बनाने की शुरुआत की और इसका इसके बाद देहांत हो गए। कहा जाता है कि इस पेंटिंग को बनाने में 16 वर्ष का समय लगा, 1503 से 1519 तक, बहुत लंबा समय। अब बच्चों इसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, इस पेंटिंग का नाम मोनालिसा, हम लोग दुनिया में सब लोग जानते हैं मोनालिसा, इसी में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, मोनालिसा नहीं, इस पेंटिंग का नाम है मोनालिसा, ये इसका सही उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में आपका ये है आपका सही, लेकिन हम लोग अपभ्रंश भारतीय हमेशा अपभ्रंश बनाते हैं तो प्रचलित नाम मोनालिसा मोनालिसा हो गया। मोनालिसा का मतलब होता है माई लेडी, मेरी औरत, माई लेडी इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है माई लेडी। मोनालिसा पेंटिंग की जो वर्तमान कीमत, क्योंकि ये बिकती नहीं है जहां पे उन्हीं के पास रखी गई है, करीब 790 मिलियन डॉलर विश्व की सर्वकालिक महंगी पेंटिंग है आपकी, जिसकी कीमत मान सकते हैं आप लोग 5380 करोड़ रुपया, इस समय इस पेंटिंग की अनुमानित माना जाता कि इतनी भी बिक सकती है, क्योंकि बिकने को तो तैयारी नहीं है, लेकिन इतनी इसकी कीमत, अगर विश्व की सर्वकालिक महंगी पेंटिंग में नाम आएगा तो मोनालिसा। दूसरे नंबर पे आप देखिए, अब क्रमांक इसी के साथ में बना लीजिए, पहली हो गई मोनालिसा, उसके बाद दूसरी जो है सलवाटे मुंडी, आपको दिख रहा है सामने सलवाटे मुंडी, ये आपका दूसरी हो गई। तीसरी आपकी पेंटिंग मानी जा सकती है मल्ली मुंडो, जिसको एंडी वारहोल ने बनाया था, और चौथी अल्जीरियस वीमेन, जो पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाई गई थी। बच्चों मोनालिसा की चर्चा हो रही है तो थोड़ा मोनालिसा के बारे में थोड़ी सी बातें आपको बता देते हैं। इस पेंटिंग को दूर से किसी भी एंगल में आप राइट लेफ्ट अप डाउन किसी भी एंगल से आप देखते हैं तो मोनालिसा पेंटिंग आपको हमेशा मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, तभी तो इसको रहस्यमय पेंटिंग माना जाता है, रहस्यमय पेंटिंग। अलग अलग कोण से देखने में भी मोनालिसा की मुस्कुराहट बदलती रहती है, कहीं पर कम दिखती है, कहीं पर ज्यादा दिखाई देती है, ये इस पेंटिंग के बारे में कहा जाता है। मोनालिसा पेंटिंग को केवल नजदीक से देखने में आपको होठों में एक उदासी समझ में आती है, जैसे उदास है, बाकी आपको हर एंगल में ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, इसीलिए इसको सबसे रहस्यमय सबसे महंगी पेंटिंग मानी जाती है। तो बच्चों पूरा भी विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चों अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य इसको जरूर शेयर करें बहुत, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको जो भी हमने वीडियो लाए, इंटरेस्टिंग वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो, आर्ट से संबंधित वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।